नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल समाचार में। इस समाचार बुलेटिन के माध्यम से हम कवर करेंगे आपकी अवेयरनेस के लिए हिमाचल की सभी प्रमुख खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन 2 पर आज तक की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत कुछ सेवाओं में छूट दी जा रही है, जिनमें उद्योगों को फिर से शुरू करना, सड़क निर्माण और मनरेगा जैसे कार्य शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी कार्यों में स्थानीय लोगों को ही काम पर लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश के लिए केंद्र सरकार से 30,000 रैपिड टेस्ट किट्स उपलब्ध करवाने की मांग की गई है। इनमें से 5,000 रैपिड टेस्ट किट्स प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की जाँच सुविधा अभी IGMC शिमला, टांडा मेडिकल कॉलेज और CRI कसौली में है और जल्द ये सुविधा पालमपुर व मंडी के अस्पतालों में भी उपलब्ध हो जाएगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी के नरचौक मेडिकल कॉलेज, ESI अस्पताल काठाबद्दी, हमीरपुर के चैरिटेबल अस्पताल भोटा, सिरमौर के नागरिक अस्पताल सराहा और अग्रवाल ट्रस्ट अस्पताल ज्वालामुखी को COVID-19 समर्पित अस्पताल के रूप में अधिसूचित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों में फंसे प्रदेश के लोगों व विद्यार्थियों के हित को देखते हुए उनसे जहाँ है वहीं रहने का आग्रह किया और उन्हें हर समय सहायता का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक कुल 7,576 लोगों की निगरानी में रखा गया है, जिनमें से 5,308 लोगों ने 28 दिन की जरूरी निगरानी अवधि पूरी कर ली है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में अभी तक COVID-19 के कुल 39 मामले पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से 11 स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 23 मरीज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन है। जयराम ठाकुर ने बताया कि एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान के तहत प्रदेश के करीब 70 लाख लोगों की घर द्वार पर मौखिक जांच की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में N95 मास्क, PPE किट्स और सर्जिकल मास्क पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और आइसोलेशन के लिए करीब 1,000 बेड की व्यवस्था की गई है। COVID-19 के निदान व इलाज को हेम केयर योजना के तहत लाया गया है। प्रदेश सरकार ने लोगों को घर द्वार स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए आज से ई संजीवनी OPD परामर्श सुविधा शुरू की है। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य RD धीमान ने बताया कि COVID-19 महामारी को लेकर लगाए गए लॉकडाउन के कारण अस्पताल न आने वाले मरीजों की सुविधा के लिए ये सेवा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के 16 डॉक्टर सभी कार्य दिवस पर सुबह 9:30 बजे से 4:30 बजे तक निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श सुविधा प्रदान करने के लिए उपलब्ध रहेंगे। RD धीमान ने कहा कि जल्द ही ये सुविधा मोबाइल फोन पर भी मुहैया करवाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में आज कुल 370 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए, जिसमें से 74 की रिपोर्ट निगेटिव आई है, जबकि 296 सैंपल की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने आज विश्वविद्यालय में ऑनलाइन शिक्षण कार्य और आगामी स्नातक स्तर की परीक्षाओं की तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने प्राध्यापकों, वैधानिक और प्रशासनिक अधिकारियों को कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए, ताकि विद्यार्थियों को कोई परेशानी न हो। कुलपति ने सभी मान्यता प्राप्त कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को विश्वविद्यालय के साथ समन्वय स्थापित करने के भी निर्देश जारी किए।